शिवरामऊ विधानसभा में 10,565 नए मतदाताओं की संख्या ये बढ़ी है। इसी प्रकार तिरवा विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 27/10/2030 को 377,349 थी और आज जो है 380,814 है। 198 कन्नौज विधानसभा में 27/10/2023 को 427,739 मतदाता थे, आज जब प्रकाशन हो रहा है 23 जनवरी 2024 को इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 429,763 है। जनपद में 27/10/2023 को 1,270,730 मतदाता थे, आज कुल मतदाताओं की संख्या 1,286,784 है। इस प्रकार जनपद में 16,054 ये मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है, जो ये इधर पूरा अभियान चलाया गया है। अंतिम प्रकाशन में जो जेंडर रेशियो है उसकी जो स्थिति है वो ये है कि हमने जब आलेख प्रकाशन किया 27/10 को तो हमारा जो जेंडर रेशियो था वो 864 था, आज अंतिम प्रकाशन के दिन जेंडर रेशियो हमारा 878 हो गया है, जो 14 पॉइंट का इसमें इंक्रीज है। इसी तरह से जो हमारा ईपी रेशियो है वो 63.73% है। पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनकी संख्या भी 152, इनके मार्किंग की संख्या है तो वो भी हमारी मतदाता सूची में मार्क हुए हैं। इसी तरह से जो आयोग का मुख्य जोर था कि हमारे जो यंग इलेक्टर्स हैं, यंग वोटर्स हैं, उनको जोड़ा जाए। आलेख प्रकाशन के समय मतदाता सूची में यंग वोटर्स हमारे 4,377 थे, आज प्रकाशन की तिथि पर इन मतदाताओं की संख्या 15,977 हो गई है। इस तरह से 11,600 यंग इलेक्टर्स, युवा मतदाता, मतदाता सूची में इनका नाम जोड़ा गया है। अंतिम प्रकाशन में जो 80 प्लस वोटर्स हैं उनकी संख्या घटी है। आलेख प्रकाशन के समय 24,982 ऐसे मतदाता थे और आज 22,590 ऐसे मतदाता हैं। तो इस प्रकार 2,392 मतदाताओं जो 80 वर्ष की आयु से अधिक थे उनकी संख्या में कमी आई है। कोई भी मतदाता वेबसाइट पर भी मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति को ये स्थिति पूरी देख सकते हैं। आयोग का ये इसमें था कि यह लोगों को बताया जाए, वे अपना एक बार इसमें ज़रूर अपना देख लें अपनी प्रविष्टियों को, और इसके लिए एक अभियान भी चलाया गया था मैं हूँ ना, ताकि और सभी से अपेक्षा की गई थी कि हमारे जो तिथियां हैं कम से कम जो विशेष पुनरीक्षण की तिथियां हैं, चाहे 4 नवंबर है, 5 नवंबर है, 25 नवंबर है, 26 नवंबर है और 2 दिसंबर है, 3 दिसंबर है, इन तिथियों पर अवश्य जाएँ और एक बार BLO के पास जाकर मतदाता सूची में अपने नाम और अन्य जो प्रविष्टियां हैं, अपने फ़ोटो है, उसको चेक कर लें।